क्लेशहारिणी सर्वश्रेयस्करी सीता न तोहम राम वल्लभा। यन्मायावशवर्ती विश्वं किलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत्सत्त्वादमृषैव भाति सकलं रज्जो यथा हिर्भ्रमा। यत्पादप्लवमेकमेव हि भवाम्बुधे स्थितिरशावतां वन्देऽहं तमशेषकारणपरम् रामाख्यमीशं हरिम्। नानापुराणनिगमागम सम्मतं यत् रामायणे निगदितं कवचिदन्यतो स्वान्ता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबन्धमती मज्जुलमातनो। जे सुमिरत सिद्ध होई गणनायक करिवर वदन करहु अनुग्रह सोय बुद्धिरास शुभ गुण सजन। मूक होय वाचाल पंगु चरहि गिरिवर गहन जासु कृपा सुदयाल द्रवहु सकल कलिमल दहन। नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण बारिजनयन करहु सुमम उरधाम सदा क्षीर सागर सम। कुंद इंदु समदे उमारमन करुणा अयन करहु दीन परने जाहि दीन परने करहु कृपामरदनमय। वंदं गुरुपदकं कृपासिन्धुनररूपहरि महामोहतम पुञ्ज जासुवचन रविकर निकर। श्री गुरुप्रेमानंदे श्री गुरुप्रेमानंदे श्री गुरुप्रेमानंदे। भजनीताय जप हरे कृष्णा हरे राम निताय गौर राधे श्याम। जप हरे कृष्णा हरे राम भजनीताय गौर जप हरे कृष्णा हरे राम निताय गौर राधे श्याम। जप हरे कृष्णा हरे राम निताय गौर राधे श्याम। हरे कृष्णा हरे राम निताय गौर राधे श्याम। जप हरे कृष्णा शंकर शरण शरण दीन बंधु श्री नवद्वीप बिहारी श्री निताई गौर हरि सरकार श्री वृंदावन बिहारी श्री राधा माधव जुगल सरकार श्री अवध बिहारी श्री सीताराम जुगल सरकार श्री हनुमान जी महाराज श्री सद्गुरुदेव भगवान की अकारण करुणा के फलस्वरूप यहाँ 11 दिवसीय श्रीराम कथा महामहोत्सव में भगवान श्री सीताराम जी की दिव्य कथा कहने सुनने का सौभाग्य हमें आपको प्राप्त हो रहा है। और आज कथा का 6वां दिवस है। श्री प्रभु कृपा से हम कल रामलला की मीठी मीठी मधुर बाल लीलाओं को श्रवण कर रहे थे और उसके पश्चात विश्वामित्र जी आए और लाला को ले गए। श्री दशरथ जी को पहले तो वियोग व्यापा, फिर तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, सो समझ गए। वशिष्ठ जी ने समझा दिया कि चिंता करि त्याग कीजे चिंतन चरण चारु, चंद्रमा घर आए हैं तो चंद्र काहू आई हैं। जिनकी कृपाते मिले सुपात पुत्र ऐसे, वे संत भगवंत पुत्र वधू हूं मिलाएंगे। बताओ दशरथ, तुम्हारे यहाँ पुत्रों का जन्म किनकी कृपा से हुआ? बोले आप महापुरुषों की कृपा से हुआ। तो बोले इन लालाओं को बहुवी संत ही मिलाएंगे। जिस संबंध में संत हो वही संबंध मधुर रहता है। अच्छा, तो नारायण जो दो जाए तो आएंगे चार है के, और चारों अगर जाए हैं तो 8 है के आए हैं। तब तो प्रसन्न हो गए थे। इन्हीं प्रसंगों को हम श्रवण कर रहे थे। विश्वामित्र जी लेकर के चले हैं। श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाई। निधि मिल गई है। और महाराज आज तो विवाह का दिन है, तो विवाह से पूर्व की लीलाएं इतनी हैं कि उनको कहेंगे तो बरना बरनी बैठे रह जाएंगे। सो पूर्व की लीलाओं को जल्दी जल्दी प्रणाम करके आगे बढ़ें। लेके जा रहे हैं श्री विश्वामित्र जी। और ज्यों ही श्री राम भद्र को लेके ताटक वन में पहुंचे हैं, जहां ताड़का रहती थी। ये सुंद नामक राक्षस की पत्नी थी। मारीच सुबाहु की माँ है, राक्षसों को पैदा करने वाली है। विश्वामित्र जी ने उस वन का इतिहास श्री राम को सुनाया है और ताड़का का वध करने की प्रेरणा प्रदान करी है। ये एक अद्भुत संयोग है कि श्री कृष्ण भी अपने अवतार में प्रथम राक्षसी को ही मारते हैं। सबसे पहले कौन मारी? पूतना। और श्री राम जी भी अपनी लीला में सबसे प्रथम राक्षसी को ही मारते हैं। और श्री कृष्ण 6 दिन की अवस्था में मारते हैं और श्री राम जी लगभग 15.25 वर्ष की अवस्था में। पर दोनों ने राक्षसियों को ही मारा है। जहां से राक्षसों की पैदावार हो रही है, जो जननी है, उसका अंत भगवान कर रहे हैं। और महाराज जो एक बाण छोड़ा है, सो जिस ताड़का राक्षसी ने पूरे वन को निर्जन कर दिया था, सो एक ही बाण प्राण हरि लीना। लेकिन विश्वामित्र जी कहते हैं धन्य है ये। एक तो श्री राम जी के हाथों मारी जा रही है और मर करके पहाड़ की तरह कहां गिरी? बोली श्री गंगा जी में जाकर के गिरी। और महाराज गंगा जी में जाकर के गिरी है। वाल्मीकि रामायण में श्री विश्वामित्र जी कहते हैं कि उनको दर्शन होता है कि धन्य है ये ताड़का जो मरते समय मुख में गंगाजल चला गया और झट से उसकी आत्मज्योति निकल करके श्री राम भद्र के चरणों में समा गई है। देवताओं ने पुष्प वृष्टि करी है। कहिए ताड़का हंता भगवान जय हो, श्री रामचंद्र भगवान जय हो। ताड़का का भगवान ने अंत किया है और महाराज आगे लेकर के चले हैं प्रभु को श्री विश्वामित्र जी। और कहाँ आए हैं? आए हैं बक्सर में, जहां पर श्री विश्वामित्र जी निवास करते, यज्ञ करते और जहां मारीच सुबाहु यज्ञ में बाधा प्रदान करते। वहां आकर के यज्ञ रक्षा के निमित्त भगवान उपस्थित हुए हैं। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि 6 दिन और 6 रात तक अहिर्निश श्री राम जी और श्री लक्ष्मण ने यज्ञ की रक्षा करी है। यज्ञ पूरा नहीं होने देते थे राक्षस। यज्ञ के बीच में ही यज्ञ में रक्त मांस मदिरा डाल करके यज्ञ अशुद्ध कर देते थे। महाराज 6 दिन तक जागे रह करके यज्ञ संपन्न करवाया है। सुबाहु के साथ में 60 करोड़ राक्षसों की सेना आई है, जिनका श्री लक्ष्मण जी ने आग्नेयास्त्र से नाश कर दिया है। आग्नेयास्त्र का संधान करके वो सबरी सेना भस्मीभूत कर दी अग्निवाण। उसके पश्चात फिर वायवास्त्र चला करके उनकी जो शरीर की भस्म थी वायवास्त्र से उड़ा करके साकेत धाम में पहुंचा करके सबको श्री राम जी के धाम की प्राप्ति करा दी। तब तो भगवान ने सुबाहु का अंत किया है। एक ही बाण प्राण हर लीना। मारीच आया है सो मारीच को नहीं मारा। क्यों नहीं मारा? बोले इसलिए नहीं मारा कि आगे इससे भी सेवा लेनी बाकी है। मारीच मर जाएगा तो कैसे होगा? इसे ही तो आगे माया मृग बनना है। तो मारीच को बाण तो मारा पर बिना फनका मारा। और बिना फनका बाण मारे से क्या हुआ? बोले सतजोजन का सागर पारा, बहुत दूर सप्त सागरों के पार जाकर के पड़ा। मरा नहीं, दूर फेंक दिया। संतों का कहना है, अभी जो संसार के नक्शे में मॉरिशस देश है, ये उसी मारीच का शरीर है। श्री राम जी ने बाण मार करके वहां पर उसको टापू जैसा जो मॉरिशस देश है वो वहीं मारीच के गिरने का स्थान है। और मॉरिशस देश की एक बहुत अद्भुतता है, विशेषता है कि वहां इतने लोग श्री रामचरितमानस से और राम जी से प्रेम करते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं। दूसरा देश होते हुए भी घर घर में रामचरितमानस मिलती हैं, राम जी के भक्त मिलते हैं, गोस्वामी जी से प्रेम करने वाले मिलते हैं। वहां जाकर के गिरा है ये मारीच। भगवान ने उद्धार किया है। विश्वामित्र जी का यज्ञ आनंद पूर्वक संपन्न हुआ है। जय जयकार हो रही है। इधर भगवान आगे लेकर के उन्हें श्री राम लक्ष्मण जी को चल रहे हैं। बोले बक्सर में श्री जनक जी का समाचार आया है। चारों ओर जनक जी के समाचार गए हैं। बोले कौन बात का? बोले जनक जी अपनी लाडली किशोरी का स्वयंवर कर रहे हैं, लेकिन शर्त है जो शिव धनुष पिनाक को भंग करे, उठावे, सो जानकी जी का पानी ग्रहण करे। तो दूर दूर से राजा लोग एकत्र हुए हैं। बक्सर भी खबर आई है। सो भगवान को धनुष यज्ञ का दर्शन कराने के लिए विश्वामित्र जी ले जा रहे हैं। प्रिया प्रियतम का मिलन होना है, ये सब बात तो बानक है। ये धनुष बहुत अद्भुत है। विश्वकर्मा जी ने समस्त पर्वतों का सार लेकर के ये पिनाक नामक धनुष बनाए और ये धनुष शंकर जी को प्रदान करे। इस धनुष से शंकर जी ने त्रिपुर राक्षस का वध किया, जिसके कारण शंकर जी त्रिपुरारी कहलाए। फिर इस धनुष को निमि वंश में उत्पन्न छठी पीढ़ी के राजा देवरात जी को प्रदान कर दिया। देवरात जी पीढ़ी दर पीढ़ी उस धनुष की सेवा करते रहे, पूजा करते रहे, शिव का प्रसाद जान करके, शिव का स्वरूप जान करके। और वो धनुष भी कैसे, जो जड़ धनुष नहीं, परम चेतन इच्छा से बहुत भारी हो जाएं, हल्के हो जाएं, बड़े हो जाएं, छोटे हो जाएं, स्वरूप बदलने, अद्भुत धनुष। तो देवराज जी से लेकर के जनक जी तक के वंश में राजा दर राजा सब उस पिनाक की पूजा करते थे। प्रतिदिन प्रतिदिन पुष्प, चंदन, इत्र आदि से सेवा होती थी। एक दिन तो जानकी जी को वो पूजा स्थल का परिष्कार करने की आज्ञा हुई। श्री जानकी जी जहां पर रोज पिनाक की पूजा होती थी, तो वहां पर जब सफाई करने के लिए गई, परिष्कार करने के लिए, तो उन्होंने देखा कि आसपास तो प्रसादी फूल पत्ता सब हटे हुए हैं, लेकिन कुछ फूल पत्ते पिनाक के नीचे आए हुए हैं। कोई चीज बहुत समय तक रखी रही, न हटाई जाए तो उसके नीचे रज के कण आ जाएंगे, धूल आ जाएगी, पत्ते आ जाएंगे। तो जानकी जी ने कहा इसको अच्छे से साफ करना चाहिए। सो महाराज, एक हाथ से तो पिनाक उठा लिए आपने और दूसरे हाथ से नीचे का समस्त वस्त्र था, स्थान था, उसको स्वच्छ कर दिया। सहजता से एक हाथ से उठाए रखा, दूसरे हाथ से स्थान का मार्जन कर दिया। मार्जन करने के बाद जब जनक जी धनुष की पूजा करने के लिए आए तो स्थान को इतना स्वच्छ देख करके दंग रह गए। अरे आज किसने यहाँ की स्वच्छता की है, किसने पूजा स्थल का परिष्कार किया है? पता चला कि जानकी ने किया है। तो बुला के लाओ सिया को। पूछा, बेटी तुमने कैसे ये सब स्थान का परिष्कार किया, सफाई की? बोले, पिताजी नीचे बहुत सारी रज आ गई थी, मैंने कहा अच्छे से साफ कर देती हूँ। सेवा करने वाले आसपास साफ कर देते थे, नीचे की नहीं करते थे। अब नीचे कोई करे कैसे, जिस धनुष को उसके स्थान से सभा मंडप में लाने के लिए जनक जी ने हाथियों से खिंचवाया, तब भी बहुत मुश्किल से वो धनुष सरक करके सभा मंडप में आया। उस धनुष को जानकी जी ने ऐसे उठा लिया जैसे कोई बहुत साधारण वस्तु को उठा ले, पर उनको पता नहीं था। जनक जी ने कहा, बेटी तुमने कैसे परिष्कार किया? कि पिताजी मैंने एक हाथ से धनुष उठा लिया, दूसरे स्थान से। हरे, तुमने उठा लिया? हाँ पिताजी। कैसे उठाया? तो झट दोबारा भी जानकी जी ने उठा के दिखा दिया। अरे महाराज, जनक जी को लगा कि धन्य है, अनंत पीढ़ियों में आज तक जिस धनुष को कोई हिला नहीं सका अकेला व्यक्ति, हजारों लोग मिलकर के हाथियों से खिंचवा करके एक स्थान से दूसरे स्थान पे रखा जाए, उस धनुष को जिस कन्या ने सहज उठा लिया, उसी समय प्रतिज्ञा कर ली, उस कन्या का हाथ उसी के हाथ में दूंगा जो इस धनुष को महाराज चाप चढ़ा ले। भंग की प्रतिज्ञा नहीं ली है, जो इसकी चाप चढ़ा देगा उसको ही अपनी बेटी का हाथ दूंगा। और महाराज यही घोषणा सारे नगरों में, राज्यों में पहुंची है और अपने अपने बल का परीक्षण करने के लिए सब लोग एकत्र हो रहे हैं। यही समाचार बक्सर भी आया है। सो ले करके चल रहे हैं महाराज श्री विश्वामित्र जी, श्री राम लक्ष्मण जी को। तो जनकपुर तो पीछे पहुंचेंगे, पहले तो गंगा जी के तट पर नाना नाना प्रकार के दिव्य अस्त्रों की शिक्षा प्रदान करी है श्री राम जी को। और उसके पश्चात तो महाराज पहले तो उस अहिल्या का आश्रम आया, गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या, कैसी स्थिति जो कि पाषाण की मूर्ति बनी हुई बैठी है। ब्रह्मा जी ने संसार में से सब सुंदर तत्वों का सार लेकर के एक स्त्री का निर्माण किया जिसका नाम था अहिल्या। सोचने लगे किसको प्रदान करूं ये अहिल्या नाम की स्त्री। इतनी सुंदर अहिल्या कि सब देख करके महाराज ललायित हो गए। ब्रह्मा जी ने मन में विचार किया कि उसी को ये कन्याधन, ये स्त्री रत्न प्रदान करूंगा जिसके मन में इसकी अभिप्सा नहीं होगी। इंद्र तो बहुत लालायित थे लेकिन उनको प्रदान नहीं करी। बोले किनको प्रदान करी? बोले गौतम ऋषि जी को प्रदान करी। गौतम ऋषि जी को कहा धरोहर रूप में तुम अहिल्या को अपने पास रखो। कथा आती है अनेकों वर्ष हो गए गौतम ऋषि के पास अहिल्या जी को रहते, पर गौतम ऋषि के मन में विकार अहिल्या जी के प्रति नहीं आया। तब ब्रह्मा जी पुनः आए और देखा कि आज भी निर्विकार रूप से गौतम ऋषि रह रहे हैं, मन में थोड़ा भी विकार नहीं। तब तो समस्त देवताओं की सन्निधि में ब्रह्मा जी ने गौतम ऋषि का विवाह अहिल्या जी से कर दिया। तब तो गौतम ऋषि के साथ ही रहने लगी उनके आश्रम में। इनके यहाँ शतानंद नाम के पुत्र का जन्म हुआ है। ये शतानंद जी ही जनक जी के कुल पुरोहित हैं। जैसे दशरथ जी के हैं श्री वशिष्ठ जी, ऐसे जनक जी के हैं शतानंद जी। ये अहिल्या और गौतम ऋषि के सुपुत्र हैं। शतानंद जी का जन्म हुआ। विश्वामित्र जी सुना रहे हैं, लेकिन एक बार अहिल्या जी से भूल हो गई। बोले उनके रूप को देख करके इंद्र तो पहले से मोहित थे ही, उनके मन में अहिल्या को प्राप्त करने की इच्छा जागी। छद्म वेश में आकर के पहले तो कुकट के द्वारा जल्दी बांग दिला दी। गौतम ऋषि की जल्दी सवेरा हो गया ये सोच करके स्नान करने को गए, और इधर इंद्र गौतम ऋषि का वेश बना करके अहिल्या की कुटिया में पहुंचे। तो इंद्र ने छद्म वेश बनाया, लेकिन महर्षि वाल्मीकि जी कहते हैं कि अहिल्या जी को अनुमान हो गया था कि ये इंद्र है। ऐसा नहीं था कि वो पूर्ण रूप से अनभिज्ञ थी, उनको अनुमान हो गया था कि ये इंद्र है, लेकिन उनके मन में भी किंचित इंद्र के प्रति आकर्षण रहा होगा। सो महाराज कुटिया में चले जाते हैं इंद्र, और जब महाराज बाहर निकल रहे होते हैं तभी गौतम ऋषि आ जाते हैं। जो देखते हैं महाराज इंद्र को, सब बात समझ जाते हैं कि कैसे आज मुझे जल्दी स्नान के लिए भेजा गया, कैसे इंद्र मेरी कुटिया से मेरा ही रूप बना करके बाहर निकल रहा है। तब तो गौतम ऋषि ने इंद्र को श्राप दिया, तुम वृषण रहित हो जाओ और सारे शरीर पर 1000 योनि के चिन्ह प्रकट हो जाए। श्राप दे करके महाराज इंद्र तो लेकर के चले गए हैं, और इधर महाराज क्रोधित हो गए गौतम ऋषि अहिल्या पर, और अहिल्या को भी श्राप दिया, अरे तूने स्त्री होकर के, ब्रह्मा जी की कन्या होकर के, गौतम ऋषि की पत्नी होकर के ऐसा पतित कर्म किया, सो तू पाषाण हो जा। पाषाण हो जा, पाषाण हो जाने का श्राप दिया। इंद्र को 1,000 योनि छिद्र हो जाने का श्राप दिया। इंद्र ने क्षमा मांगी तो इंद्र को शापानुग्रह करते हुए कहा कि जिस समय श्री राम जी का विवाह होगा उस समय तुम श्री राम जी का दर्शन करोगे तो योनि छिद्र ये 1000 नेत्रों के रूप में प्रकट हो जाएंगे, और तब तुम सहस्त्राक्ष कहलाओगे। तो संत लोग कहते हैं पहले तो इस श्राप के कारण इंद्र बहुत दुखी रहा, फिर अपनी गलती पर पछतावा हुआ, लेकिन जब श्री राम जी के दूल्हा वेश की शोभा इंद्र देखने पहुंचे और उनके सारे शरीर में 1000 नेत्र हो गए तो गौतम ऋषि का शगुन मनाने लगे कि महाराज आपने बहुत बड़ी कृपा करी जो ऐसा श्राप दिया। लोगों को 2 नेत्रों से राम जी का दर्शन करके तृप्ति नहीं हो रही, मैं तो 1000 नेत्रों से प्रभु के दूल्हा रूप का दर्शन कर रहा हूं, परम प्रसन्न हो। अहिल्या ने क्षमा मांगी है, अहिल्या को कहा है तुम पत्थर बनी रहोगी, पर हाँ जब तुम्हारी कुटिया पर राम आएंगे उनकी चरण रज तुम्हारे पर पड़ेगी, तब कहीं जाकर के तुम्हारा उद्धार होगा। तब शतानंद जो बालक थे उनको जनक परंपरा में पुरोहित का पद प्रदान करवा करके और आप चले गए। युग बीत गए, युग बीत गए, युग बीत गए, अहिल्या जी को पत्थर बने युग बीत गए। सारा आश्रम सुनसान पड़ा है। जब वहां से लेकर के विश्वामित्र राम जी को निकले हैं सो राम जी ने ही जिज्ञासा करी है कि गुरुदेव ये कौन सा स्थान है। तब विश्वामित्र जी ने कहा कि गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि भी चरण कमल रज चाहती अकृपा करहु रघुवीर। ये गौतम की नारी है जो श्राप बस पत्थर हो गई है, इस पर आप कृपा करिए। ये बड़ी अद्भुतता है। श्री राम जी 2 लोगों के आश्रम पर स्वयं गए हैं, एक तो अहिल्या के आश्रम पर और एक आगे जाएंगे शबरी मैया के आश्रम। बड़ी अद्भुतता है। अपने को तो ब्याहुला करना है श्री राम जी का, पर बहुत सुंदर प्रसंग है। इतने अवगुण होने के बाद भी, इतना पाप होने के बाद भी श्री राम जी के चरण अहिल्या की कुटिया की ओर मुड़ते हैं। हम पतित जीवों को कितना ढाढ़स प्राप्त होता है। पाप से सदैव सर्वथा बचना चाहिए। भजन करते में, साधन करते में पापाचरण नहीं करना चाहिए। पर सोचिए यदि पापाचरण हो जाए साधक से तो पाप करने से सावधान हो जाए, पर निराश न हो। ये नहीं सोचे कि अब मेरा कुछ नहीं होगा। श्री राम जी के रहते, दयालु प्रभु के रहते कोई जीव संसार में पतित नहीं रहेगा, पतित पावन होगा। पर जरूरत क्या है? जरूरत है स्थिरता की। इन दोनों आश्रमों में भगवान गए हैं। अहिल्या के आश्रम में उसकी स्थिरता के कारण गए हैं और शबरी मैया के आश्रम में उसके धैर्य के कारण गए हैं। हम अपने साधन में स्थिर रहें और हमारे हृदय में परम धीरज रहे, कभी भी आशा बंद छूटे नहीं। लाख से लाख बुरा कर्म जीवन में बन जाए, वो दोबारा न हो, इस बात की शपथ लें और मन में ये आशा कभी न छूटे कि इस ही शरीर से, इस ही जन्म में मुझे श्री राधा गोविंद के चरण कमलों की प्राप्ति हो। आशा साधक की कभी भी नहीं छूटनी चाहिए। आशा बंद भक्ति का प्रधान लक्षण है, आशा नहीं छूटे। शबरी मैया का धैर्य, अहिल्या की स्थिरता। युगों बीत गए थे, अहिल्या को पत्थर बने। अब तो सारे अपराधों का महाराज शमन हो चुका हो, लेकिन उन्होंने अपनी गलती स्वीकार करी, दंड को सहर्ष स्वीकार किया और वहीं पर स्थिर बनी रही। तो आज राम जी के चरण उनकी ओर मुड़ गए, आज धन्य हो गई हैं। विश्वामित्र जी ने कहा चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर। आप कृपा करिए। तो मानस जी में तो गोस्वामी जी ने श्री राम जी से चरण स्पर्श कराए हैं कि श्री राम जी ने चरण स्पर्श किए, पर वाल्मीकि रामायण में श्री वाल्मीकि जी ने चरण स्पर्श नहीं कराए। बोले कैसे? बोले श्री राम जी मन में विचारते हैं कि ये तो ऋषि पत्नी है, ब्राह्मण की पत्नी है, हम कैसे इनको चरण स्पर्श कर सकते हैं? हमारे यहाँ तो ऋषियों की, ऋषि पत्नियों की पूजा होती है, मैं चरण स्पर्श नहीं कर सकता। तो बोले क्या हुआ? बोले राम जी ने पत्थर बनी अहिल्या को प्रणाम किया है। और बोले उस समय क्या हुआ? श्री गोविंदराज स्वामी जी ने वाल्मीकि रामायण की टीका लिखी है, वो कहते हैं उस समय अनुकूल वायु चली और उस अनुकूल वायु ने क्या किया? श्री राम जी तो प्रणाम ही कर रहे थे, लेकिन उस अनुकूल वायु ने अहिल्या पर कृपा करने के लिए श्री राम जी के चरण कमलों की रज उड़ा करके और पत्थर बनी अहिल्या के ऊपर जो डाली, तैसे ही महाराज अहिल्या का पाषाणत्व तो दूर हो गया, ऋषि पत्नी बनकर के प्रकट हो गई और भगवान श्री राम के चरणों में प्रणाम किया। देवताओं ने आकाश से पुष्प वृष्टि करी। कहिए अहिल्या उद्धार करता भगवान की जय हो, अहिल्या उद्धार करता भगवान की जय हो, अहिल्या उद्धार करता भगवान की जय हो। धन्य हो गई, धन्य हो गई जो श्री राम जी के चरण रज का स्पर्श हुआ। पर सत पद पावन शोक नशावन, प्रगट भई तप पुंज सही। महाराज चरणों का स्पर्श होते ही सब दुख दूर हो गए और महाराज कैसी अद्भुत स्तुति करने लगी। संतों ने गाया अहिल्या बड़े भागति हारे तेरे घर राम पधारे हैं, अहिल्या बड़े भागतिहारे हैं, तेरे घर राम पधारे हैं, अहिल्या बड़े भागतिहारे पूजा के लिए भूल न चंदन, राघव कहते थे, राजकुमार कहते थे, रघुपति राघव राजा राम तक कह देते थे, क्योंकि बड़े लाला हैं तो राजा यही बनेंगे। तो अभी तक आधा कीर्तन तैयार हो पाया था, रघुपति राघव राजा राम, लेकिन अभी तक राम जी पतित पावन नहीं हुए लीला में। लेकिन जब अहिल्या को पवित्र कर दिया महाराज, तो फिर हो गए पतित पावन। अब आगे सीताराम बनना बाकी है, तो सीताराम बनने की महाराज मंडप लग के तैयारी हो ही चुकी है। तो कीर्तन पूरा हो जाएगा फिर रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीता राम जी पतित पावन होकर के विराजमान हैं। श्री राम जी के लिए गोस्वामी जी नाम महिमा लिखते हैं कि राम एक तापस्वी तारी, लेकिन नाम कोटि खल कुमति सिधारी। बोले राम जी ने तो एक ही तापस की नारी का उद्धार किया, पर देखो राम जी का नाम तो युग युग से महाराज खोटी मतियों का सुधार कर रहा है और करता रहेगा। सो ये पतित पावन बाना भगवान का कहीं गया नहीं है, निरंतर भगवान पतितों को पावन कर ही रहे हैं। आवश्यकता है उनके नाम का आश्रय हम सब लोग लिए रखें, उनके नाम की विस्मृति कभी भी न। विश्वामित्र जी लेकर के चल रहे हैं महाराज, और ज्यों सुंदर जनकपुर की सीमा में पहुंचे हैं, क्या कहें, आनंद हो गया। प्रथम तो जाकर के आम के बाग में ही डेरा लगाया है श्री विश्वामित्र जी ने। बोले महाराज जनक जी का निमंत्रण तो हमको है नहीं, अपनी ओर से ही आए हैं, सो जाकर के बगीचा में विराजमान हुए हैं। और ज्यों सेवकों ने जाकर के बताया है कि महाराज क्या कहने, श्याम गौर सुंदर दो भाई विश्वामित्र महानिधि पाई। दो निधियों को लेकर के विश्वामित्र जी जनकपुर के बाग में विराजमान है, आनंदित हो गए। श्री जनक जी सारे ब्राह्मण समाज को लेकर के, सारे सम्मानित समाज को लेकर के विश्वामित्र जी की अगवानी करने के लिए बाहर आए हैं महाराज बगीचा में। और ज्यों महाराज विश्वामित्र जी को देखा, चरण कमलों में प्रणाम किया है, अगवानी की है, सम्मान किए, स्वागत सत्कार किए। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं जैसे ही उनकी दृष्टि श्री राम लखन पर पड़ी, ओह क्या कहें, मूरत मधुर मनोहर देखी तो क्या हुआ। बोले भयऊ विदेह विदेह विसेखी। बोले जनक जी का नाम है विदेह। विदेह किसको कहते हैं, जो देह से ऊपर हो, जिसका देह ध्यास समाप्त हो गया हो। हम सब तो देह में अटके हुए हैं, विदेह उसको कहें जो देह ध्यास से ऊपर उठ चुका है, जो अपने आप को देह नहीं जान रहा, जो महाराज अपने आप को आत्मा जान रहा है, जिसको आत्म साक्षात्कार हो गया है, जिसको जो ज्ञान संपन्न हो गया है, वो विदेह है। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं सही अर्थों में तो विदेह आज विदेह हुए हैं। कब, जब मूरत मधुर मनोहर देखी तो भयऊ विदेह विदेह विसेखी। सही में आज देह का भान भूल गए, समझ नहीं पा रहे। गोस्वामी जी कहते हैं श्याम गौर सुंदर दो भ्राता, ये आनंद हूं के आनंद दाता। हे संत भगवान विश्वामित्र जी कहिए तो सही, ये कौन है, मेरा सहज रूप से वैराग्य में रहने वाला मन क्यों इनकी ओर आकृष्ट हो रहा है, बताइए तो सही, ये कौन है, मेरा मन क्यों इनकी ओर आकृष्ट हो रहा है, क्या ब्रह्म ही तो इनके रूप में नहीं आ गया। विश्वामित्र जी कहते हैं राजन, जब मुझ जैसे बाबा जी का मन इन्होंने मोह लिया, तो तुम बाबा जी नहीं हो, तुम तो गृहस्थी हो, तो गृहस्थी पे मोहिनी चढ़ गई तो कोई बात नहीं, मुझ बाबा जी का ही मन ये दोनों मोह चुके हैं। आनंद हूं के आनंद दाता। और महाराज तब तो बहुत आदर पूर्वक लेकर के गए हैं, सुंदर महाराज निवास प्रदान किया है श्री विश्वामित्र जी को। लेकिन ठाकुर जी की मनोहर मूर्ति जनक जी के हृदय से ओझल नहीं होती। श्री विश्वामित्र जी विराजमान हुए हैं, और यहीं से भगवान का जनकपुरी में आगमन और जनक भ्रमण, जनकपुरी का भ्रमण प्रारंभ होता है। श्री विश्वामित्र जी से स्वयं भगवान की लालसा है, क्योंकि इनकी नित्य ससुराल है मिथिला जनकपुरी। आज प्रभु अपनी ससुराल में पधारे हैं, सारी तो लीला प्रभु जानने वाले हैं। तो ये नहीं कहते कि मुझे घूमने की इच्छा है जनकपुरी, लक्ष्मण जी का नाम लेकर कहते हैं विश्वामित्र जी से कि गुरुदेव आप आज्ञा करें तो मैं लक्ष्मण को नगर दिखा लाऊं। विश्वामित्र जी मन में विचारें कि क्या राम जी यहाँ कई बार आ चुके हैं, जो कह रहे हैं मैं लक्ष्मण को नगर दिखा ला। पर महाराज वो तो नित्य दंपति हैं, नित्य प्रिया प्रियतम है, उनका तो सब जाना पूछा है। सो लक्ष्मण जी को लेकर के चले हैं श्री राम और महाराज। कितना सुंदर वो जनकपुरी का भ्रमण है। संत भगवान श्रीमन नारायण दास भक्तमाली जी ने महाराज वाणियों के अंबार लगा दिए। महाराज जी की ही वाणी है जिसको थोड़ा सा हिंदी में रूपांतरण करके बोलने का प्रयास कर रहे हैं। श्री ठाकुर जी बिहार कर रहे हैं, श्री जनकपुरी में आनंद हो रहा है। जो भी देखता है सो पागल हो जाता है। और सखियां गा रही हैं। सखी गली गली घूमत अवध के किशोर, काजे भयो मिथिला में शो, जिनको देख बेके काजे भयो मिथिला में शो। सखी गली गली घूमत अवध के किशोर, गली गली घूमत अवध के किशोर। सखी गली गली घूमत अवध के किशोर, गली गली घूमत अवध के किशोर। जिनको देख बेके काजे भयो मिथिला में शो, जिनको देख बेके काजे भयो मिथिला में शो। काजे भयो मिथिला में शो, जिनको देख बेके काजे भयो मिथिला में शो। सखी गली गली घूमत अवध के किशोर, सखी गली गली को देखिबे के काजे भयो मिथिला में सखी गली गली वध के किशो सारी मिथिला नगरी महाराज बावरी हो गई। जिस गली से जिस जगह से दोनों भाई निकल जाते हैं महाराज लोगों का काम हाथ में रह जाता है, देखते रह जाते हैं। और जो जनकपुर की नागरियों ने श्री राम जी का दर्शन किया महाराज ठगी रह गई, जो देखा सो विमोहित हो गई, मोहित हो गई। और महाराज कोई छज्जा पे, कोई अटारी पे, कोई देहरी पे, कोई डगर में, कोई बाजार में, कोई हाट में, जो जहां खड़ा सो खड़ा रह गया श्री राम जी का स्वरूप देख करके। अरे सखी देख तो सही कितने सुंदर हैं। चितवन रसीली सखी नैन की को चितवन रसीली सखी नैनन की को चितवन रसीली सखी नैनन की को मुस्कन को देखहिया उठत हिलो मुस्कन को देखहिया उठत हिलो ओहो मुस्कन को देखहिया हिलोर मुस्कन को देखहिया उठत हिलो सखी गली गली चढ़कर प्रभु का दर्शन करने लगी। एक तो एक नई नवेली बहू आई हुई थी जनकपुरी में और पता चला ओहो महाराज सुंदरता के सारनाथ आज हमारे घर के आगे से ही निकले जा रहे हैं। सो महाराज कितना प्रयास किया प्रभु का दर्शन हो जाए। सो छज्जा अटारी पे खड़े होकर भगवान की झांकी निहारने लगी। सो निहारने की उमंग में सिर से उसके आंचल हट गया, सिर पे से वस्त्र हट गया। और महाराज कहाँ ध्यान रहा कि कहाँ ससुर खड़े, कहाँ जेठ खड़े, कहाँ सास खड़ी। और महाराज प्रभु को निहारने में सारे वस्त्र अस्त व्यस्त हो गए। और महाराज उसकी सास की निगाह उस पर पड़ी। सो बहुत झल्ला, बोले अरे निर्लज्जा, उसको लाज भी नहीं रह गई। इतने बड़े खड़े हैं नई नवेली और सिर उघाड़ जाने किसको देख रही है। होश नहीं उस नई नवेली को। राम जी ने मन मोह लिया, देखती रही देखती रही देखती रही। जब श्री राम जी आगे निकल गए घर से और साथ झल्लाती रही वो सुनती रही। जब श्री राम जी आगे निकल गए तब उसने सासू माँ को कहा कि कहिए माता जी आप क्या कह रही हैं। बोले क्या कह रही हूँ, इतनी देर से चीख रही हूँ, तेरे सिर पे आंचल नहीं, मुंह फकाड़े देख रही है, बड़े गुरुजन पास में खड़े हैं, लज्जा नहीं। बहुत कहा बहुत कहा बहुत कहा। सो नई नवेली बहू अपनी सास से बोली कि माता जी ये आनंद हूं के आनंद दाता दोनों भ्राता गली में से निकले जा रहे हैं, इनको छोड़ करके किसको फुर्सत है जो मेरी ओर देखे। अब तो सारी आंखें इन्हीं की ओर लगी हुई हैं, किसको फुर्सत। वो तो सारी जनकपुरी में अकेले आपके ही भाग फूटे हुए हैं कि महाराज आनंद हूं के आनंददाता तो निकल गए नगर में से और आप मुझे ही देखती रह गई। आहा सखी गली गली घूमत अवध के किशोर गली गली घूमत अवध के किशोर सखी गली गली घूमत अवध के किशोर जिनको देख बेके काजे भयो मिथिला में तो जिनको देख बेके काजे भयो मिथिला में को देखिबे के काजे भयो मिथिला में रो। जिनको देखिबे के काजे भयो मिथिला में रो। सखी गली गली घूमत अवध के किशोर। गली गली घूमत अवध के किशोर। सखी गली गली घूमत अवध के किशोर। गली गली घूमते अवध के किशोर। महाराज सखियां अटारी पे से दर्शन कर रही हैं, श्री राम लक्ष्मण जी निकले जा रहे हैं, लेकिन ऊपर से भरपूर दर्शन नहीं होता। श्रीमन नारायण दास जी कहते कि सखियां व्याकुल हो गईं, ऊपर से केवल मस्तक का छोर दिख रहा है, मस्तक का छोर दिखता है रामभद्र का, मुख का दर्शन नहीं होता। प्राण व्याकुल हो रहे हैं, सरकार आगे चले जाएंगे तो झांकी नहीं हो पाएगी, ऊपर से दर्शन हो नहीं रहा, नीचे पहुंचेंगी तब तक शायद प्रभु निकल जाएं, और अथवा भीड़ में दर्शन ही न हो पाए तो क्या करें। दिखत अटारी से मस्तक को छोर बस। दिखत अटारी से मस्तक को छोर। ओ दिखत अटारी से मस्तक को छोर। दिखत अटारी से मस्तक को छोर। अरे मुख चंद देखूं कैसे यतन करो। ये मुख चंद देखूं कैसे यतन करो। करके मुख चंद्र दे कैसे यतन करो। करके मुख चंद देखो कैसे यतन करो। सखी गली गली घूमते अवध के किशोर। सखी गली गली घूमते अवध के किशोर। सखी गली गली घूमते अवध के किशोर। से मस्तक का छोर दिखता है, नीचे जाऊंगी तो कहां दर्शन हो पाएगा इतनी भीड़ में, और तब तक सरकार आगे भी चले जाएंगे। सो महाराज उन जनकपुर की नागरियों ने एक युक्ति की, बोले एक युक्ति है, बोले क्या करा जाए। यदि ऊपर अटारी से श्री राम जी के शीश पर फूल फेंका जाए, यदि फूल फेंका जाएगा शीश पर श्री राम जी के, तो झट देखेंगे कहां से पुष्प आया, और जैसे ही महाराज देखेंगे कहां से पुष्प आया, तैसे ही मुख कमल का दर्शन हो जाएगा। और नागरी ने ऐसे ही किया, महाराज आनंद हो गया। हाँ ऊपर से फूल दियो मस्तक पे छो। ऊपर से फूल दियो मस्तक पे छो। आहा ऊपर से फूल दिए मस्तक पे छो। राम जी देखे मुख वाही कियो। राम जी देखे मुख वाही कियो। आहा राम जी देखे मुख वाही कियो। आहा राम जी देखे मुख वाही कियो। सखी गली गली घूमते अवध के किशोर। झलक दिखाए गए मेरो चित चोर। झलक दिखाए गए मेरो चित चोर। जो पुष्प डाले शीश पर, और जो श्री राम जी ने मुख उठाकर देखा, महाराज बलिहारी बलिहारी हृदय साथी ले गए रामलला, आनंद हो गया। झलक दिखाए चित ले गए मोह, झलक दिखाए चित ले गए मोह, सखी झलक दिखाए चित ले गए मोह, झलक दिखाए चित ले गए मोह, आगे बढ़ी गे रसिक सिर मोह, सखी आगे बढ़ी गे रसिक सिर मोह, सखी गली गली विभोर हो गए और जनकपुर वासी क्या मनोरथ करने लगे, हे प्रभु सब ही मना में आज दो कर जो, सब ही मना में आज दो कर जो, सब ही मना में आज दो कर जो, शिव को धनुष यही दे मैं कल तो, शिव को धनुष यही दे मैं कल तो, सब मनोरथ मना रहे हैं हे शंकर भगवान, हे गणेश जी, हे मैया, इन्हीं के हाथों कल धनुष टूटे, आहा शिव को धनुष यही दे मैं कल तो, आहा शिव को धनुष यही दे मैं कल तो, सखी गली गली अवध के किसो, गली गली अवध के किसो, सखी गली गली घूमते अवध के किसो, सखी गली गली घूमते अवध के किसो, देवी नारायण नेह निधि करत निहो, 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 क्या निहोर कर रहे हैं संत भगवान, क्या निहोर कर रहे हैं, एक ही प्रार्थना कर रहे हैं क्या, के राम जी और सिया जी का होवे गठ जो, राम जी और सिया जी का होवे गठ जो, हाँ हाँ राम जी और सिया जी का होवे गठ जो, हाँ हाँ राम जी और सिया जी का होवे गठ जो, सखी गली काजे भयो मिथिला में शोर, तो काजे भयो मिथिला में शोर, इनको देख बेके काजे भयो मिथिला में शोर, इनको देख बेके काजे भयो मिथिला में शोर, सखी गली गली घूमते अवध के किशोर, नारायण नेह निधि मांगे कर जो, के राम जी और सिया जी का होवे गठ जो, सखियों से कहा कि तुमको क्या मिलेगा, राम जी का ब्याह सिया जी से हो जाएगा, सिया जी को लेके सरकार चले जाएंगे, तुमको क्या मिलेगा? बोले मिलेगा कैसे नहीं, आते जाते रही हैं ससुराल में किसो। जब संबंध हो जाएगा तो बहू लेके चले जाएंगे, आएंगे नहीं क्या? आएंगे। आते जाते रही हैं ससुराल में किसो, सो दर्शन करी सुफल होए जीवन मोर। यहीं से रथ में बैठकर जाया करेंगे, जानकी जी को छोड़ने आया करेंगे, लेने आया करेंगे, सो दर्शन कर करके नेत्र सुफल होंगे सखी। बस इतने के लिए ही कर रही हो ये सब मनोरथ? बोले नहीं नहीं। बोले हम सब कौन है? बोले हम सब सिया जी की सखी बरजो। हम सब प्रिया जी की सखियां हैं ना, कि हाँ तो प्रिया जी की सखियां हैं, तो उस संबंध से हमारा भी तो सरकार से कोई नाता होगा। कोई सारी कहलाएगी, कोई सरहज कहलाएगी, कोई दासी कहलाएगी। हम सब सिया जी की सखी बरजोर, और सिया जी के नाते संबंध लेंगी जोर। किशोरी जी के नाते हमारा भी संबंध हो जाएगा। जिया जी जीजा जी कह करके बुलाएंगी। अरे महाराज राम जी से जो भी नाता लगे सो कल्याण महाराज। सबई कहावत राम के, सबई राम की आस। राम कहत जेहि आपनो, तेहि भज तुलसी दास। हम उनको कहते रहेंगे आप हमारे हैं, आप हमारे हैं, आप हमारे हैं। कभी उनके मुख से भी निकल जाएगा कि आप हमारी हो, सो धन्य हो जाएंगी। हम सब सिया जी की सखी बरजो, तो सिया जी के नाते से संबंध लेंगी जो। किशोरी जी के नाते से हमारा राम जी से संबंध हो जाएगा सखी। बस इतना ही मनोरथ है, संबंध जुड़ जाएगा। वे तो सीधा जाएंगे महल में, वे सीधा जाएंगे अयोध्या में, तुम्हें क्या मिलेगा? बोले नहीं सखी, यहीं से तो निकलेंगे तो कभी कभी क्या करेंगी, घर को बुलाएंगी कर करनी हो। कभी कभी रथ रोक के खड़ी हो जाएंगी। सरकार केवल महल में ही नहीं, हमारी कुटिया में भी तो पधारिए। जीजी को लेके थोड़े दिन हमारे घर रहिए, हमारी कुंज में रहिए। हम ये प्रार्थना किया करेंगी, कहा करेंगी घर में पधारो कहें करी करनी हो। सो आएंगे घर में तो क्या करोगी? बोले नैन में बसाएंगी किशोरी किशोर। वे आ तो जाएंगे पर जाने नहीं देंगी, नैनों में बसाएंगी किशोरी किशोर। सखी गली गली घूमत अवध के किशोर। बहुत सुंदर मिथिला रस, वो तो रसिकजन जान सकते हैं। गली गली घूमत अवध के किशोर। सखियां कह रही हैं घर में आएंगी तो जाने नहीं देंगी, नैनों में बसाएंगी किशोर। बिठा लेंगे। ओहो, सारी नगरी में धूम मच गई है महाराज, सारी नगरी में धूम मच गई है। घूमते घूमते सब पर कृपा करते हुए प्रभु महाराज आकर के पुनः विश्वामित्र जी के पास आए हैं। परम प्रसन्न है, परम प्रसन्न है। रात्रि कैसे कैसे कथा सत्संग करते हुए, पुराण चर्चा करते हुए बीती है। अगला दिन फिर आया और महाराज प्रातः काल विश्वामित्र जी भजन पूजन करने के लिए बैठे। सो महाराज पूजा के लिए फूल चाहिए थे। सो महाराज श्री राम जी ने ही स्वयं कहा कि महाराज हम आपके लिए फूल ले आए। बोले हाँ हाँ। सो विश्वामित्र जी की आज्ञा से आज राम जी श्री लक्ष्मण जी के साथ पुष्प लेने जा रहे हैं। बोले कहाँ? बोले विदेह वाटिका में, जो श्री जानकी जी वाटिका है उसमें पुष्प लेने जा रहे हैं। यही प्रिया प्रियतम का प्रथम मिलन होना है। धन्य है ये वाटिका। और रसिकों ने कहा ये लीला किसी दिन हुई है फूल वाटिका की? बोले आश्विनी पूर्णिमा को, जिस दिन रास पूर्णिमा होती है। श्री वृंदावन में रास विहारी रास विहारणी का मिलन होता है, उस रास पूर्णिमा के दिन ही फूल वाटिका की लीला हुई। आज महाराज प्रिया प्रियतम का मिलन होना है। हाथ में डोना लेकर के और झाड़ी लेकर के पुष्प उतारने के लिए जा रहे हैं। बोले प्रभु क्यों जा रहे हैं? बोले हेतु तो अनेक हैं, उसमें से एक हेतु यह है कि कल के दिन जब राम जी जनकपुरी में भ्रमण करते हैं तो पूरी जनकपुरी को राम जी का दर्शन हो जाता है। एक नहीं हो पाता तो माली और मालिन को नहीं हो पाता, जो कि वैदेही जी की वाटिका में सेवा करते हैं, क्यारी लगाने की, पुष्पों की सेवा करते हैं। राम जी जनकपुरी में से होकर के दोबारा चले गए विश्वामित्र जी के पास। इनके मन में बहुत पछतावा होता है, देखो तो सही, आज तो सारी जनकपुरी धन्य हो गई, हम ही दोनों रह गए। लेकिन यही है सेवा की निष्ठा। श्री किशोरी जी की सेवा में से निष्ठा कम नहीं हुई। अरे हम विदेही की वाटिका की ही सेवा करते रहेंगे, जो कृपा होनी होगी सो यही होगी। सो महाराज धन्य हो गए। आज राम जी उसी वाटिका में पुष्प चयन, नहीं तो पुष्प चयन करने के लिए बहुत सी वाटिकाएं, पर राम जी उसी वाटिका में जा रहे हैं, उसी वाटिका में जा रहे हैं। संत भगवान तो कहते कि रात को मालिन ने स्वप्न देखा, स्वप्न में राम जी का दर्शन किया, सुबह उठ करके अपने माली को कहा कि अरे स्वामी, रात को तो मैंने जो सरकार जनकपुर की गलियों में घूम रहे थे उनका दर्शन किया, अब मेरा मानना है वे ब्रह्म हैं, ब्रह्म ही आज जनकपुर की गलियों में डोल रहा है। माली ने कहा, अरे देवी तुम जानते नहीं, हम आत्मज्ञानी की नगरी में रहते हैं, आत्मज्ञानी तो संसार को ही मिथ्या बताता है, तो स्वप्न को सच कौन बताएगा, स्वप्न मिथ्या होता है देवी। मालिन ने कहा, झूठे संसार का स्वप्न झूठा होता होगा, लेकिन सच्चिदानंद परमात्मा का स्वप्न भी सच्चा होता है। संसार का तो जागृत में देखा हुआ दृश्य भी झूठ होता है, लेकिन परमात्मा का स्वप्न भी सच्चा होता है। देखिएगा, जिनका सपने में दर्शन हुआ उनका आज मुझे प्रत्यक्ष में भी दर्शन होगा। सो माली मालिन की बात भी हो रही थी कि सरकार महाराज पहुंच गए। ओह क्या कहने महाराज, जो पहुंचे हैं द्वार पर, कितना कितना आनंद हुआ है माली मालिन से। माली मालिन सोचते हैं कि झटपट इनको बगिया में जाने की आज्ञा दे दी तो महाराज तब तो झटपट चले जाएंगे, पुष्प उतार लाएंगे, थोड़ी देर बातों में उलझाना चाहिए। पूरा परिचय पूछते हैं, कहाँ से आए हैं, कौन है, किसके कुमार हैं, कैसे पधारे, लाइए हम फूल ला दें, पुष्प ला करके माला गूंथ के आपके गले में पहना दें। तो राम जी कहते हैं, नहीं नहीं, हमको तो महाराज अपने गुरुदेव की सेवा के लिए पुष्प चाहिए, तो हम स्वयं ही उतारेंगे। खूब माली आ जाते हैं और खूब वार्तालाप होता है, खूब वार्तालाप होता है, खूब रस की चर्चा होती है। अंत में तो महाराज माली मालिन कहते हैं कि देखिए, ये तो बाग किशोरी जी का है, जानकी जी का है। सो महाराज यहाँ तो किसी पुरुष का प्रवेश है नहीं। राम जी कहते हैं, हमको तो गुरु सेवा के लिए पुष्प चाहिए। बोले महाराज सबका प्रवेश नहीं है। बोले कोई तो रास्ता होगा प्रवेश का। बोले एक ही रास्ता है। बोले क्या? बोले आप यदि जनक किशोरी जानकी जी की जय बोल दो तब तो महाराज प्रवेश मिल जाएगा। लक्ष्मण जी कहते हैं, अच्छी रीति है इनके यहाँ पर, विदेह वाटिका में घुसने के लिए जय बोलनी पड़ेगी। पहले तो महाराज बहुत आनाकानी होती है, संतों ने कहा बहुत आनाकानी होती है। फिर राम जी कहते हैं, अच्छा बताओ, गुरु जी की सेवा को देर हो रही है, अच्छा बताओ कैसे जय बोली जाएगी? बोले ऐसे बोलिए जय, जनक किशोरी जनक नंदिनी जानकी जी की जय हो, सिया सुकुमारी की जय हो, जनक दुलारी की जय हो, कहिए जनक नंदिनी की जय हो। ऐसे बोलना है। अच्छा एक बार और बोलिए, कहिए जनक नंदिनी की जय हो। अच्छा एक बार और बोलिए। तो महाराज माली ने कहा जनक नंदिनी की, तो जब तक जनक बोला तो जनक तो उसने बोला, माली ने कहो जनक, राम जी बोले नंदिनी की जय हो। बोले महाराज जनक हम बोले, नंदिनी आप बोलो, हम आपकी चाल समझ गए, आप नंदिनी की जय क्यों बोल रहे हो? बोले क्यों बोल रहे हो? बोले आपकी गुरु जी की गाय का नाम नंदिनी है, वशिष्ठ जी के यहाँ जो गाय है उसका नाम नंदिनी है, तो गैया मैया की जय बोले से आपकी मर्यादा का भंग होगा नहीं। तो आप कह रहे हैं नंदिनी की जय, नंदिनी की जय बोले से काम नहीं चलेगा, पूरी जय आपको बोलनी पड़ेगी। कहिए एक बार भुजा उठा करके श्री जनक किशोरी जनक नंदिनी सिया सुकुमारी की सिया सुकुमारी जनक दुलारी। महाराज रामभद्र को मानना ही पड़ा है और महाराज तब प्रवेश मिला है वैदेही वाटिका में पहुंचे हैं महाराज। और महाराज श्री राम जी पहुंचे हैं लक्ष्मण जी के साथ में। गोस्वामी जी कहते हैं उसी समय श्री जानकी जी भी सखियों के साथ वाटिका में आई हैं। बोले माता जी ने भवानी का गौरी का पूजन करने के लिए आपको भेजा है। प्रथम तो आकर के सरोवर में स्नान किए हैं, सुंदर वसन धारण किए हैं और महाराज भवानी का पूजन ही कर रही थीं। और क्या कह रही थीं? बोले मम अनुरूप सुभग वर मांगा, सुभग वर की कात्यायनी महामाये महाजोगिन। जैसे गोपियां भागवत जी में माँ की पूजा करते हैं, कात्यायनी महामाये महायोगिन नधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरते। हमको नंद गोप श्याम सुंदर, नंद गोप के पुत्र श्याम सुंदर पति रूप में प्राप्त हो। ऐसे ही आज जानकी जी प्रार्थना कर रही हैं माँ से। इधर तो प्रार्थना कर रही हैं, इधर जो दो सखियां और वाटिका में घूम रही थी उनको महाराज दीख गए सरकार। ओ महाराज देख करके सो बावरी हो गई राम जी को देख करके और भागी 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 जानकी जी के पास जा रही हैं और बता रही हैं अरे सखी मानो तेरी प्रतीक्षा पूरी हुई। जिनकी प्रतीक्षा कर रहे थे वो हमारी सिया जी के किशोरी जी के भरतार तो स्वयं बगिया में आ गए। तो सखियां जाकर के श्री जानकी जी को समाचार दे रही हैं। जानकी जी गौरी पूजन कर रही हैं और सखियां कह रही हैं सखी मिथिलेश बगिया में कुंवर दो आज आए। सखी मिथिलेश बगिया में कुंवर दो आज आए हैं। सखी मिथिलेश बगिया में कुंवर दो आज आए हैं। सखी मिथिलेश बगिया में कुंवर दो आज आए। ओहो जिन्हें अवलोक कर सहसा में है अभी सकल लोचन चुराए हैं बड़े मोरे किशोरागृत सकल लोचन चुराए हैं सखी मिथिलेश बगिया में कुंवर दो आज आए हैं सखी मिथिलेश बगिया में कुंवर दो आज आए हैं। और महाराज झांकी कैसी है? पुष्प वाटिका में पहुंच करके श्री राम जी ने मोर पंख लगाया है। केवल श्री कृष्ण ही मोर पंख का श्रृंगार नहीं करते, गोस्वामी जी लिखते हैं मोर